So today we are going to discuss about the topic concomitant strabismus and the references AK KHURANA. ठीक है, अब strabismus क्या होता है? Normally अगर हम कहें तो it is an abnormal alignment of the eyes. ठीक है, अब अगर हम concomitant strabismus देखें तो it is a type of strabismus in which the amount of deviation in the squinting eye remains constant in all the directions of gaze and no limitation to the ocular movement. यानी आप ऊपर देखें, नीचे देखें, ठीक है, साइडवेज देखें, जो डेविएशन का अमाउंट है, एंगल है, वो सेम ही रहेगा. ठीक है, अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो देखिए, जो बच्चा होता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे में बायनोक्युलर मूवमेंट और ऑक्युलर मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं प्रेजेंट होती है. बच्चा, ठीक है, जब 3 से 6 महीने का हो जाएगा तब वो शुरू हो जाएगा डेवलप होना, और जब वो 6 से 7 साल का हो जाएगा तो वो ऑक्यूलर मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट एंड बायनोक्युलर मूवमेंट की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी. अब ये जो पीरियड है, अगर इसके दौरान कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो फिर ये डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी. अब जो ये ऑब्स्टिकल है वो सेंसरी फॉर्म में आ सकता है, मोटर हो सकता है या सेंट्रल हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम पहले सेंसरी के बारे में डिस्कस करें तो सेंसरी क्या हो सकता है कि आपको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है और आप बहुत लंबे समय से एक रॉन्ग पावर का स्पेक्टिकल पहन रहे हो. एनिसोमेट्रोपिक आई में हो सकता है, ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी, लेंटिकुलर ओपेसिटी में हो सकता है क्योंकि लाइट रेज आएंगी तो वो सेंस ही नहीं होंगी ओपेसिटी की वजह से. ऑप्टिकल ट्रॉपी में हो सकता है, मैक्यूलर डिजीज में हो सकता है. मोटर ऑब्स्टिकल्स की बात करें तो मोटर यानी वो मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, मसल रिलेटेड है. एबनॉर्मल, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की इंसर्शन हो सकती है, इनर्वेशन हो सकती है. एबनॉर्मल अकोमोडेशन हो सकता है, एबनॉर्मल कन्वर्जेंस हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा जो ऑर्बिट है उसका शेप और उसका साइज वो भी एबनॉर्मल हो सकता है. सेंट्रल ऑब्स्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जो कॉर्टिकल कंट्रोल है, ब्रेन के थ्रू जो कंट्रोल होता है ऑक्यूलर मूवमेंट्स का, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है. जैसे मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, बच्चे की जब टीथिंग ईयर्स होते हैं, टीथिंग के दौरान हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में होता है सीएनएस, उस दौरान भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की. तो ये ना 3 तरीके के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड वर्टिकल स्क्विंट. हम इस लेक्चर में फोकस करने वाले हैं सिर्फ कन्वर्जेंट स्क्विंट की तरफ मेजरली. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द कन्वर्जेंट स्क्विंट. ओके, सो सी से आप याद रखें कि ये चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है. ठीक है, बच्चों में ये ज्यादा कॉमन होता है. इसके भी 5 टाइप्स है. सबसे पहले हम इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया देखेंगे. इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया आप कैसे याद रख सकते हैं? 4A की फॉर्म में आप ये याद रख सकते हैं. ठीक है, 4A में से सबसे पहला A है एज. ठीक है, एज जो है वो पहले 6 महीनों में कभी भी हो सकता है और 2 से 4 महीनों में चांसेस ज्यादा रहते हैं. फिर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की. तो एंगल ऑफ डेविएशन कांस्टेंट है सारे ही डायरेक्शंस में, ये मैंने डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था. और ना एंगल ऑफ डेविएशन मतलब फेयरली लार्जर होता है, 35 डिग्री से भी ज्यादा होता है. फिर है ए से अम्ब्लायोपिया, और फिर एक और ए से है एसोसिएशंस. एसोसिएशन में जो इन्फीरियर ओब्लिक मसल है उसका ओवर एक्शन हो सकता है, वर्टिकल डेविएशन डिसोसिएशन हो सकता है. तो एज, एंगल, अम्ब्लायोपिया, एसोसिएशन, ये 4 A's हो गए. उसके अलावा अब हम बात करेंगे फिक्सेशन पैटर्न की. 2 फिक्सेशन पैटर्न है, क्रॉस फिक्सेशन, ऑल्टरनेटिव फिक्सेशन. क्रॉस फिक्सेशन आता है लैटरल गेज में. क्रॉस फिक्सेशन में क्या होता है कि आपका जो राइट आई है वो लेफ्ट विजुअल फील्ड की तरफ देखने की कोशिश करता है, और जो लेफ्ट आई है वो राइट विजुअल फील्ड की तरफ देखने की कोशिश करता है. तो देखिए कैसे क्रॉस बन चुका है, इसीलिए इसे क्रॉस फिक्सेशन कहते हैं. ठीक है, और एक और चीज़ याद रखें कि बच्चे में बायनोक्युलर विजन डेवलप नहीं होता है. ओके, एक होता है ऑल्टरनेट फिक्सेशन जो प्राइमरी गेज में ही यूजली होता है. अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अम्ब्लायोपिया इसमें होता है, हम अम्ब्लायोपिया की ट्रीटमेंट कर देते हैं. ठीक है, फिर इसमें हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो हम मेडिकल जो मीडियल रेक्टस मसल है उसके रेसेशन करते हैं. अब ये क्या है ये मैं आपको आगे ट्रीटमेंट में फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. और अगर हम टाइम ऑफ सर्जरी की बात करें तो 2 साल से पहले पहले कर लेना है तो अच्छा रहेगा. अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. इसमें क्या होता है कि देयर इज अ ओवर एक्शन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएटेड विद द अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स. ठीक है, तो अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स 3 तरीके के होंगे, रिफ्रैक्टिव, नॉन रिफ्रैक्टिव और मिक्स्ड. इसमें आप ना AC/A रेशियो को थोड़ा याद रख ले. AC/A रेशियो है अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस अपॉन अकोमोडेशन का रेशियो. जो रिफ्रैक्टिव टाइप है वो हमेशा एक रिफ्रैक्टिव एरर के साथ एसोसिएटेड होता है, हाई हाइपरमेट्रोप्स में ये होता है. ठीक है, हाई हाइपरमेट्रोप्स में इसमें AC/A रेशियो नॉर्मल रहता है. ठीक है, नॉर्मल.
और नियर और डिस्टेंस के लिए इक्वली हो सकता है, मार्जिनली नियर के लिए ज्यादा रहता है. स्पेक्टिकल्स अगर हम रेकमेंड करते हैं तो टोटली स्पेक्टिकल से इसको करेक्ट किया जा सकता है. दूसरा है नॉन रिफ्रेक्टिव टाइप, ऑफन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टिव एरर. ठीक है, इसमें एसी बाय एरेशन एबनॉर्मल रहता है. ठीक है, और आप देखेंगे कि नियर के लिए ज्यादा रहता है कंपेयर टू डिस्टेंस. ठीक है, नियर के लिए जो होगा वो ज्यादा रहेगा. और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो हम बायफोकल ग्लासेस प्रेफर करते हैं. ठीक है, अब बच्चों में बायफोकल ग्लासेस नहीं दिए जा सकते, इसलिए बच्चों में हम माइटोटिक्स देते हैं. तो होता क्या है कि जब आप माइटोटिक्स दोगे तो हम जैसे जानते हैं कि माइटोटिक्स जो है वो सिलेरी मसल पे भी एक्ट करते हैं और इनके थ्रू अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिसके थ्रू ओवर एक्शन जो होता है, कन्वर्जेंस का ओवर एक्शन जो मैंने पहले ही बता दिया है डेफिनेशन में, वो अवॉइड हो जाता है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं. जो मिक्स्ड है उसमें हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगा और एसी बाय ए रेशियो जो है इसमें बढ़ा हुआ होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड नॉन अकोमोडेटिव ईसोट्रोपिया की. तो ये किसी भी तरीके के अकोमोडेटिव रिफ्लेक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है. इसमें चार इंक्लूड होते हैं. ठीक है, एक्वायर्ड ईसोट्रोपिया, साइक्लिक ईसोट्रोपिया, एक्यूट कॉनकमिटेंट ईसोट्रोपिया और मायोपिक ईसोट्रोपिया. अब हम बात करेंगे सेंसरी ईसोट्रोपिया की. तो इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ बायनोक्युलर विजन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मोनो न्यूक्लियर लीजन. ठीक है, जैसे ऑप्टिक आउट्रॉपी हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, कैटरैक्ट, जो भी सेंसरी कॉजेस थे वही है इसमें. कॉन्जिक्यूटिव कब होता है कि एक्सोट्रोपिया की, मान लो आपने सर्जरी कराई है और वो ओवर एक्शन हो जाए, मतलब ओवर करेक्टेड, यू नो, ओवर करेक्शन हो जाए, तो कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है. अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे. इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और देखेंगे कि एज ऑफ ऑनसेट कितना है, मोड ऑफ ऑनसेट कितना है, ड्यूरेशन कितनी है. पेशेंट के किसी भी फैमिली मेंबर को स्क्विंट की प्रॉब्लम है क्या, पेशेंट की कोई हिस्ट्री है क्या डिप्लोपिया की, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे. एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करते हैं. ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं कि स्क्विंट कौन सी टाइप का है हमारा. ऑक्युलर मूवमेंट देखेंगे, यूनिऑक्युलर है, बायनोक्युलर है, उसके लिए टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, उसके थ्रू आप कर सकते हो. अब एग्जामिनेशन हमने अभी तक कौन सी बहुत बड़ी एग्जामिनेशन दी है, हमने पीएमटी दी है. ठीक है, पीएमटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो पीएमटी से पी से याद रखें प्यूपुलरी रिएक्शन. प्यूपुलरी रिएक्शन एबनॉर्मल होते हैं यूजुअली सेंसरी कॉज की वजह से. ठीक है, सेंसरी कॉज की वजह से. और फिर हम मीडिया और फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें अगर ऑप्टिक आउट्रॉपी या किसी भी तरीके की पैथोलॉजी हुई तो वो डायग्नोस कर सकते हैं. टी से हम करते हैं टेस्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से अलग अलग टाइप के टेस्ट किए जाते हैं. जैसे कवर टेस्ट हो गया. कवर टेस्ट तीन तरीके के हैं, डायरेक्ट कवर टेस्ट, कवर अनकवर टेस्ट एंड ऑल्टरनेटिव कवर टेस्ट. ऑल्टरनेटिव कवर टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे कॉन्कमिटेंट और पैरालिटिक स्क्विंट में, ठीक है, पैरालिटिक स्क्विंट जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाए. अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो AK खुराना के पेज नंबर 364 के ऊपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब हम बात करते हैं अपने कि हम कैसे एंगल ऑफ डेविएशन को एस्टिमेट करेंगे. इसके लिए तीन टेस्ट है, प्रिम एंड कवर टेस्ट, मॉडिफाइड क्रिम्जी कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट. ठीक है, और एक और ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कहा जाता है कि वो जो पॉइंट लाइट सोर्स है उससे 33 सेंटीमीटर दूर खड़ा रहे और उसके ऊपर फोकस करें. फिर हम डेविएशन को नोट करेंगे और हम सेंटर ऑफ प्यूपिल से उसे नोट करेंगे. तो मान लीजिए कि डेविएशन है ही नहीं तो 0 डिग्री, मतलब सेंटर ऑफ प्यूपिल पे वही रहेगा. मान लीजिए अगर डेविएशन है, कहाँ पे है वो, एट दी आउटर एज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के आउटर एज पे अगर आपने नोट किया तो 15 डिग्री का डेविएशन है. ठीक है, अगर आपने लिम्बस के आउटर एज पे वो नोट किया है, यानी जो डेविएशन है वो 45 डिग्री का डेविएशन है. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आता है, यानी आउटर एज ऑफ द प्यूपिल और लिम्बस जो है उसके बीच में आता है, तो करीबन 30 डिग्री वगैरह का डेविएशन हो सकता है. ठीक है, जो अगला टेस्ट है हम वो जो सेंसरी फंक्शन और जो बायनोक्युलर विजन है उसकी ग्रेडिंग के लिए करते हैं. ठीक है, सबसे पहले है वर्थ 4 डॉट टेस्ट. ठीक है, एक्चुअली जो वर्थ 4 डॉट टेस्ट है वो प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है वाला में. ठीक है, इसमें करना क्या है, हमने गॉगल्स लेने हैं या फिर लेंसेज ग्लासेस लेने हैं, तो रेड कलर के लेने हैं और ग्रीन कलर के लेने हैं. जो रेड कलर के रहेंगे वो आप राइट आई के सामने रखेंगे और जो लेंस मतलब जो ग्रीन कलर के रहेंगे वो आप लेफ्ट आई के सामने रखोगे. ठीक है, फिर पेशेंट को कहा जाता है कि वो एक बॉक्स की तरफ देखे. उस बॉक्स में एक्चुअली डॉट्स होते हैं, करीबन 4 डॉट्स होते हैं उसमें. एक रेड कलर का डॉट होता है, 2 ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं और एक व्हाइट कलर का डॉट्स होता है. ठीक है, और अब हमें पेशेंट को पूछना है कि उसे कितने डॉट्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो जैसे अगर पेशेंट ने पेशेंट का जो बायनोक्युलर विजन है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है और उसको कोई भी मतलब स्क्विंट वगैरह नहीं है,
तो इसको चारों डॉट्स दिखाई देंगे, नॉर्मली दिखाई देंगे। अगर एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, ठीक है, और स्क्विंट है भी, तो क्योंकि एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो फिक्सेशन करवा ही लेते हैं, मतलब, ठीक है, तो उस केसेस में भी नॉर्मल ही दिखाई देते हैं और सारे डॉट्स दिखाई देते हैं। अब अगर लेफ्ट आई का सप्रेशन है, अगर लेफ्ट आई सप्रेस्ड है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को ग्रीन डॉट्स दिखाई ही नहीं देंगे, उसको दो रेड डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। दो रेड डॉट्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि एक तो पहले ही रेड कलर का डॉट था, और ये व्हाइट डॉट, क्योंकि आपने ये रेड कलर के ग्लासेस पहने, तो इसके थ्रू जब आप इस व्हाइट को देखोगे तो वो रेड दिखाई देगा, तो इसीलिए आपको दो रेड डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। मान लीजिए राइट आई सप्रेशन है, तो आपको तीन ग्रीन डॉट्स दिखाई देते हैं। मान लीजिए ऑल्टरनेटिव सप्रेशन है, ऑल्टरनेटिव के सप्रेशन के केसेस में उसका उल्टा दिखाई देगा, मतलब रेड के सामने, मतलब रेड वाले को रेड डॉट्स दिखाई देंगे और जो लेफ्ट आई है उसको ये तीन ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। फिर अगर डिप्लोपिया है पेशेंट को, डिप्लोपिया की अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को पांच दिखाई देते हैं, उसमें भी पेशेंट को टू रेड और थ्री ग्रीन डॉट्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे फिक्सेशन की, टेस्ट फॉर फिक्सेशन। इस टेस्ट में हमने एक फिक्सेशन स्टार ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करना है और पेशेंट की एक आई को कवर कर देना है, और फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अनकवर्ड आई से जो स्टार है उसकी तरफ फोकस करें, तो इससे हमें फिक्सेशन पॉइंट मिल सकता है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो सेंट्रल हो सकता है, वो पैराफोवियल हो सकता है, वो मैक्यूलर हो सकता है, पैरामैक्यूलर हो सकता है, और कहीं पेरिफेरल भी हो सकता है। सी, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, प्लीज आप थ्योरी एग्जामिनेशन में मत बनाइए डायग्राम, तो अगर आप बुक में, अगर आपको कहीं पे मिलती है तो वहां से आप ये बना लीजिए। तो जो हमारा अगला टेस्ट है वो है आफ्टर इमेज टेस्ट, ठीक है। आफ्टर इमेज टेस्ट में कैसे होगा कि जो राइट फोविया है और लेफ्ट फोविया है, हम उसे एक ब्राइट लाइन से स्टिमुलेट करते हैं। हम राइट फोविया में एक वर्टिकल ब्राइट लाइन से स्टिमुलेशन देंगे और लेफ्ट फोविया को हम एक हॉरिजॉन्टल ब्राइट लाइन से स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। और फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो भी, मतलब उसे दिखाई दे रहा है, वो उसको ड्रॉ कर दे। अब अगर पेशेंट का नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो एक प्लस डायग्राम बनाता है इस तरीके से नॉर्मली। अगर पेशेंट को इजोट्रोपिया है तो पेशेंट वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट में बनाता है और करीब इस टाइप की डायग्राम हमें दिखती है, ठीक है। और अगर पेशेंट को एक्सोट्रोपिया है तो पेशेंट जो है वो राइट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसके राइट साइड में वर्टिकल को बनाता है और कुछ इस टाइप से बना सकता है, ठीक है। अब इस टेस्ट के बाद हम एक सेंसरी फंक्शन टेस्ट विथ सिंटोफोर करते हैं, ठीक है, सेंसरी फंक्शन टेस्ट विथ सिंटोफोर। तो इसके मैंने एक्चुअली डायरेक्टली रिजल्ट्स लिख दिए हैं। अगर नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है तो जो सब्जेक्टिव एंगल ऑफ स्क्विंट होता है इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव एंगल ऑफ स्क्विंट, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है तो जो, हाँ, यही सब्जेक्टिव एंगल और ऑब्जेक्टिव एंगल में डिफरेंस होगा, और अब ये जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कहते हैं एंगल ऑफ एनोमली, ठीक है। ये जो सारे टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनकी डिटेल्स लिखना जरूरी नहीं है, बट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में ये पूछे जाते हैं। लास्ट में अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमारे तीन गोल्स होते हैं। एक तो कॉस्मेटिक करेक्शन हमें अचीव करनी होती है, हमें विजुअल एक्यूटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, और बायनोक्यूलर विजन अचीव करना है। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स लेके हम लोग जो है एक पेशेंट, कॉन्कमिटेंट स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो प्री ऑपरेटिव ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज होती है। अगर आप सर्जरी करा रहे हो तो आप अगर ये एक्सरसाइज पेशेंट करे तो अच्छा रहेगा। याद रखें कि जो सर्जरी हम करते हैं उससे पहले अम्ब्लायोपिया और ये जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा अगर कोई भी एसोसिएटेड, उसकी ट्रीटमेंट करा लेनी है। इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप सर्जरी को अप्रोच करें। सर्जरी का मेन प्रिंसिपल क्या है? रिसेक्शन करना है, रिसेशन करना है। वीक मसल हुआ तो वीक मसल को हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करानी है, जिसके लिए हम रिसेक्शन कराएंगे। अगर स्ट्रांग मसल हुआ तो उसको हम वीकन कराने के बारे में सोचेंगे तो हम रिसेशन कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसेक्शन या रिसेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज है कि जो सर्जरी होती है वो एंगल ऑफ स्क्विंट पे, टाइप पे, कि स्क्विंट किस तरीके का है, ठीक है, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का विजुअल स्टेटस क्या है, ऐसे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक और चीज याद रखें कि जैसे मीडियल रेक्टस मसल है, ठीक है, मीडियल रेक्टस मसल, उसका आप अगर रिसेक्शन कर रहे हो तो जो मैक्सिमम, जैसे 1 mm तो करना ही है, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 8 mm, अगर आप, हाँ, 8 mm, और जो रिसेक्शन करना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 7 mm, ठीक है।
अब रिसेक्शन करने से ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 पीडी तक का जो है करेक्शन किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली ये करेक्शन किए जा सकते हैं। वैसे ही मैंने लेफ्ट रेक्टस का एग्जांपल दिया है कि मैक्सिमम रिसेक्शन या रिसेशन जो है वो 8 या 10 कराना है। वैसे यूजुअली हम 1 mm करा ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली भी ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करने के लिए रिकमेंड करना है ताकि बायनोक्युलर विजन की मेंटेनेंस की जा सके इस सर्जरी के बाद। तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो को अपलोड करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।